हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद इति सिंह। आज हम जा रहे हैं उज्जैन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। अभी हम आश्रम से निकले हैं और टाइम हो रहा है 3:30। इस एक्सप्रेसवे से हम 12 घंटे में उज्जैन पहुंच जाएंगे। तो चलिए इस जर्नी में कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एंट्री कर ली है। ये एक्सप्रेसवे 1350 किलोमीटर लंबा है, जो कि दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। पेट्रोल पंप आ गया है, यहाँ से हम पेट्रोल लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। ये लो, आ गया बांसुरी वाला। यहाँ पे हम चाय पियेंगे और फिर आगे निकलेंगे। सुबह की ठंडी ठंडी हवा और गर्म चाय, पीने का मजा ही कुछ और है। एक्सप्रेसवे के दोनों साइड में पहाड़ियाँ, हरे भरे पेड़ पौधे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सूर्य देवता भी आसमान में निकल चुके हैं अपने काम पर। इस एक्सप्रेसवे पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। कुछ ओपन है और बहुत सारे भी क्लोज हैं, जिनका काम अभी चल रहा है। वक्त के साथ वो भी ओपन हो जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पे आपकी गाड़ी की स्पीड 120 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये एक्सप्रेसवे 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। किसी ने सच ही कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो ये जवानी फिर कहाँ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आपको हर 50 किलोमीटर पे एक टोल प्लाजा मिलेगा। एक देख सकते हैं नदी, जो बहुत बड़ी है। इसका नाम है मोरेल नदी। आगे रास्ता बंद है का बोर्ड लगा हुआ है, इसलिए हमें एक्सप्रेसवे छोड़ना पड़ेगा, आगे काम चल रहा है। यहाँ से हम सवाई माधोपुर होते हुए बूंदी, बूंदी से कोटा, कोटा झलवाड़ होते हुए हम उज्जैन पहुँचेंगे। इस रोड पे आपको जगह जगह पे गाय बैल दिखेंगे, जो यहाँ पे एक जगह खड़े हो जाते हैं तो उनको यहाँ से हटने में बहुत टाइम लगता है, और यहाँ पे इनकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं।
अभी हम इस समय बूंदी में हैं और बूंदी से होते हुए कोटा, झलवाड़ और उज्जैन पहुंचेंगे। यहाँ भी आपको चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियाँ दिखेंगी। कौन सी नदी है नहीं पता है, पर इसका व्यू बहुत ही शानदार है। आगे रास्ते में हमें एक और नदी मिली जो कि काफी बड़ी है। अभी हम कोटा में हैं और कचौड़ी खाएंगे और थोड़ी देर बाद निकलेंगे। सावधान, ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, यहाँ पे नीचे उतरना मना है। आप यहाँ नीचे नहीं उतर सकते। यहाँ पे टाइगर आपको दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं। हमें दिखेंगे या नहीं दिखेंगे ये हमें नहीं पता। हमें कुछ दिखा नहीं, पर गाय के बछड़े जरूर दिखे। झालावाड़ यहाँ से 32 किलोमीटर है और यहाँ से उज्जैन भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ पहुँचने में। कुछ भी हो, पर ये जर्नी बहुत ही लंबी है। यहाँ रोड के दोनों तरफ आप विंड मिल देख सकते हैं। एक और नदी, भारत तो नदियों का संगम है ही। हम उज्जैन आ गए। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।